क्रिस्टोफर सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उसे अपने घर पहुंचने के लिए रोज़ाना ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था और ट्रेन तक पहुंचने के लिए उसे रोज़ाना की 30 मिनट की वॉक करनी पड़ती थी। शाम 5 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए उसको वो ट्रेन अक्सर खाली मिला करती थी। उसका ये सफ़र अक्सर ये अकेले गुजरा करता था। वो टाइम गुजारने के लिए अपने आप से ही बातें करने लग जाता था, ऐसे जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। वो अक्सर अपने मुंह ही मुंह में एक हिंसा दोहराता था, 12 का 12 12 12। उस रात उस ट्रेन में उस लड़के के अलावा एक और पैसेंजर भी था। वो एक लड़की थी जो दूर खड़ी थी, और हैरानगी की बात ये थी कि वो मसलसल एक ही डायरेक्शन में देखी जा रही थी। वो लड़की दूर थी इसलिए वो उसको ठीक से देख नहीं पा रहा था, और हैरानगी की बात तो यह थी कि वो लड़की ज़रा भी हिलजुल नहीं रही थी और मसलसल खड़ी हुई थी। वो कोशिश कर रहा था कि अपना ध्यान उधर ना दे, लेकिन ना चाहते हुए उसका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था। आखिरकार वो अपना उस लड़की से ध्यान हटा के दोबारा अपने सोच में डूब गया और 12 का हिंसा दोहराने लगा। हाँ, मेरा नाम याना है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का उसको सामने देखकर एकदम से चौंक गया। लड़की का रंग बिल्कुल सफ़ेद था और ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। वो लड़की एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो उसने बातचीत करना शुरू की। फिर उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी ऑकवर्ड सी गुफ्तगू शुरू हो गई, और फिर उस बातों ही बातों में उसने बताया कि वो किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। फिर लड़की ने बताया कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, और इसी तरह बातों ही बातों में उसने उस लड़की से एक सवाल पूछ लिया। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि ट्रेन इतनी खाली क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस ट्रेन के हवाले से एक अफवाह फैली हुई है कि जो भी इस ट्रेन में सफ़र करता है वो गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता? कैंपस के सारे लोग इस बात को जानते हैं। मैंने भी काफ़ी देर इसको अवॉइड किया, लेकिन आज सफ़र करना मेरी मजबूरी था। वाओ, काफ़ी अजीब बात है, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या तुम्हें यह आवाज़ सुनाई दे रही है? कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये अजीब सी आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तुम्हारा वहम होगा। वो देखो, लगता है आवाज़ वहाँ से आ रही है। कहाँ से? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना सुनाई दे रहा है। अचानक वो लड़का उस लड़की को वहाँ से धक्का दे देता है। तो वो लड़का क्यों गिनती गिन रहा था? आप 13 हो गए। उस लड़के ने उस लड़की को धक्का दिया और वहाँ पर ही उसको मार दिया। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें।